कहाँ जाने की जल्दी हो रही है? क्योंकि हम ये देखने जाना चाहते हैं। ओहो, कठपुतलियों का खेल। हाँ, और ताकि हम टिकट खरीदने के पैसे जुटा पाए, इसलिए हमने ये खिलौने बेचने का आइडिया सोचा है। तो क्या एक टिकट मेरे लिए भी लोगे? चलो फिर। अब हमें इस शो को देखने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ? देखो देखो, राका भी उसी खेल के बारे में बात कर रहा है। ओह, लगता है हमें इस काम में भी अब किसी का सामना करना पड़ेगा। यानी इन्हें भी टिकट्स चाहिए? रुके क्यों हो? जल्दी नारियल बेचना शुरू करो, वरना हमसे पहले वो टिकट्स ले जाएंगे। आइए इस गर्मी में ठंडा और ताजा नारियल पानी का मजा लीजिए। आइए आइए आइए, अपने छोटे बच्चों के लिए मिट्टी के रंग बिरंगे खिलौने ले जाइए। आइए आइए आइए। हमें उन्हें किसी तरह रोकना होगा। अब ये यहाँ क्यों आया है? हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे वाह बच्चों, ये मिट्टी के खिलौने तो बड़े सुंदर हैं। क्या तुमने बनाए हैं? हाँ, हमने बनाए हैं। मैं इन्हें खरीदना चाहूँगा। अरे वाह, मैं अपना बटुआ होटल रूम में भूल आया। क्या तुम शाम को मेरे शो में आना चाहोगे? हाँ, आपका शो? कौन सा शो? तोल पावकुत कठपुतली का शो। तुम सबको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं बीनू और उसके चेलों को गुमराह करने का प्लान नहीं बनाता, तो हमें ये आखिरी बचे हुए टिकट्स कभी नहीं मिलते। अच्छा लग रहा है। वाव। तुमने हमें आखिरी टिकट्स दिलाए हैं या आखिरी रो? बीनू और उसके दोस्त तो फ्रंट रो में बैठे हैं। जल्दी चलो लंगोट, सारा दिन इन गुड्डे गुड्डियों में उलझे रहोगे। सॉरी लंगोट, हमने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। अब लंगोट को अकेले खेलना पड़ेगा। तुम्हें इसके बदले कोई और खिलौना दे देंगे। हाँ हाँ, जो तुम मांगो। तुमने मेरा गुड्डा तोड़ा, तो अब मुझे लाल नारियल लाकर दो, मेरा फेवरेट।
जितने लाल नारियल चाहिए हम लाकर देंगे। बस ये बताओ कि ये लाल नारियल मिलते कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं, बस जंगल में। आ जाओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। ये कोई मामूली घास नहीं, गुदगुदी घास है। एक बार इनके चंगुल में फंसे तो गए समझो। गुदगुदी घास। ध्यान से देखो, ये गुदगुदी घास उस भवरे को कुछ भी नहीं कर रही है। देखो अभी सिर्फ आधा काम हुआ है, अब तो हमें लाल नारियल लेकर वापस भी जाना है। वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लाल नारियल मिल गए। बच्चों मुझे खाली बाल्टी नहीं चाहिए, पानी गिराना बंद करो। हम कैसे कर पाएंगे गुरुजी? क्या हुआ बड़े भैया, आपने फिर से ट्रेनिंग के कुछ टेढ़े मेढ़े तरीके ढूंढ निकाले क्या? सिर्फ शरीर की ताकत का नहीं, मन की शक्ति का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। और मैं अपने बच्चों को दोनों सिखाता हूँ। अगर मैं आपके बच्चों को सिखा रहा होता तो अब तक सब कलरी में एक्सपर्ट हो गए होते। क्यों ना इनकी कल की ट्रेनिंग तुम ही कराओ। ठीक है ठीक है, तो अपने स्टूडेंट्स को पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। चलो गुरुजी ने सिखाया हुआ मुर्गा अभ्यास शुरू करते हैं। पक 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 पक। हमें गुरु बीटा के तरीके की ट्रेनिंग करनी ही होगी, हमने पालन गुरुजी को प्रॉमिस किया है। ये सब क्या हो रहा है? तुम अब भी पालन के टेढ़े मेढ़े तरीकों का प्रयोग कर रहे हो? मेरे राका और धाना ने हमें ही मुर्गा बनाया। आज हम एक खास तरह की ट्रेनिंग करेंगे। यानी क्या करना होगा? तुम्हें ये तीन चुनौतियाँ पार करनी है। पहले इस खम्बे के बीच तक चढ़कर ये करतब करके दिखाना होगा। इन लकड़ियों के वार से अपने आप को बचाना होगा। नारियल के पेड़ पर चलकर नाले को पार करना होगा। ये तीनों चुनौतियाँ तो बड़ी मुश्किल है। आओ तुम आओ। इस खम्बे पर पकड़ बनाना बहुत मुश्किल है। ये लकड़ियाँ, ये पेड़ का तना तो घूमने लगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो तो आओ करके दिखाओ। हाँ हाँ जरूर जरूर, मेरे स्टूडेंट्स तुमसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बच्चों दिखा दो इन्हें कि मैंने तुम्हें कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो कौन आ रहा है?